बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी बगैर कमीज को कट किए बूट पाइपिंग लगाने का तरीका। ये है मेरे पास बॉर्डर पट्टी भी लगाएंगे, बूट पाइपिंग भी लगाएंगे। अच्छा, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उनमें कमीजों को काट के बूट पाइपिंग डोरी पाइपिंग नहीं की जाती। वो कुछ इस तरह का जुगाड़ करते हैं कि बॉर्डर में ही बूट पाइपिंग निकाल देते हैं, कुछ इस तरह की चीजें शो करते हैं। तो वही सारा सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये है मेरे पास बॉर्डर। अच्छा, ये जो मेरे पास ड्रेस है ना, ये जे काट का ड्रेस है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास कमीज कैसी है। ये है मेरे पास कमीज। इसकी कमीज के अंदर कोई बॉर्डर वगैरह नहीं था। इसके गले के ऊपर प्रिंट हुआ है, आपके सामने है ये गला। और इसके बीच में ये जो गैप आ रहा है, स्पेस आ रहा है, ये बहुत ज्यादा चौड़ा है। इतनी ज्यादा बूट पाइपिंग चौड़ी कभी भी नहीं होती है, ज्यादा में ज्यादा आधे इंच की होती है, तो टोटल वो एक इंच बन जाता है। बट इसकी जो चौड़ाई है बीच की, वो हो रही है 1.5 इंच। अब इसी सादे कपड़े को हमने करना है कवर, और इसके बीच में ही हम निकालेंगे बूट पाइपिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप जो मेरे हाथ में बॉर्डर देख रहे हैं, ये है दुपट्टे का बॉर्डर। कमीज के अंदर कोई बॉर्डर नहीं था, मैंने जुगाड़ चलाया है, थोड़ा सा दिमाग चलाया है, दुपट्टे के अंदर से एक पट्टी बॉर्डर की निकाली है। इसी बॉर्डर को हम आस्तीन पे यूज करेंगे, इसी बॉर्डर को हम दामन पर, और इसी को हम गले पे यूज करेंगे। पहले मैं आपको गले पे यूज करना बताऊंगी, आगे चल के मैं आपके साथ अगर टाइम मिला तो वीडियो में स्लीव्स और दामन भी शेयर कर दूंगी। अब इस गैप को मैं किस तरह फील करूंगी, ये आपने देखना है। तो पहले हम इसको इस तरह बीच में रख लेंगे, क्योंकि हमने जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतना ही चौड़ा इसको रख के देखना है। तो मैंने सिर्फ इतनी चौड़ी पाइपिंग करनी है, आधे इंच से भी कुछ कम है। मैं आपको साइज करके दिखाती हूँ, 1.25 इंच। और ये जो पाइपिंग है ये आधे इंच से भी 1 पॉइंट कम है। इस तरह पट्टी को रखेंगे और इस तरह पट्टी को रखेंगे, तो ये हमारे बीच के अंदर बिल्कुल परफेक्ट सेट आ रहा है। अब हमने इसका रुख को तब्दील करना है, एक रुख नीचे आ रहा है और एक रुख ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने इसको बीच में से कट करना है और इसको बूट पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी शर्ट के अंदर इसको किस तरह सेट करूंगी। तो दोनों पट्टियों को मैंने बीच में से कट कर दिया है। अब इन दोनों के जो रुख है वो हम ऊपर की तरफ निकालेंगे, मगर उससे पहले हम करेंगे बूट पाइपिंग। तो एक और सीक्रेट आपके साथ शेयर करती हूँ, हमने करनी है इसके ऊपर बूट पाइपिंग। अब हमने बूट पाइपिंग करनी है इस वाले बॉर्डर के पास से। अब हमें नीचे से नहीं मालूम हो रहा, क्योंकि नीचे से हमने लगा दिया है बुकरम, हमें कैसे दिखेगा कि हमने कितनी चौड़ी बूट पाइपिंग करनी है। तो हमने करना कुछ इस तरह है, अपने निडल में से ऐसे धागा निकालना है और इसके ऊपर एक खाली सिलाई लगानी है। तो मैंने जो खाली सिलाई लगाई है, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमने पाइपिंग कितनी चौड़ी करनी है। ये जो इसके नीचे से टाके दिखाई दे रहे हैं आपको, ये निकले हुए टाके, इसी पर हमने बूट पाइपिंग करनी है। तो बूट पाइपिंग करने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है। ये शर्ट की कपड़े की पट्टी है, क्योंकि शलवार और कमीज दोनों सेम कलर के हैं, इसीलिए मैंने शर्ट के कलर की ही पट्टी कट कर ली। तो एक साइड पे मैंने बूट पाइपिंग कर ली है। अब ये जो दूसरा वाला साइड है, इसे मैं करूंगी नीट, और दूसरी वाली पट्टी को भी तैयार करूंगी, फिर आपको गले में सेट करने का तरीका बताऊंगी। तो पाइपिंग को मैंने प्रेस कर दिया है और इस वाली साइड को भी मैंने नीट कर दिया है, अंदर की साइड पर बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दिया है पट्टी को। अब ये इसके बीच में होगी कुछ इस तरह से सेट, पाइपिंग बीच में होगी, बॉर्डर इसके बाहर की साइड पर होगा। अब हमने इसमें लेस भी ऐड करनी है। लेस है हमारे पास ये कटवर वाली, ये जो लेस है यही इसके दुपट्टे के ऊपर है, यही इसके चौक दामन और स्लीव्स पर लगेगी, और यही लेस हमारे गले में लगेगी। ये लेस को हमने बाहर की साइड पर लगाना है। तो पाइपिंग को हमने फिलहाल आरजी अटैच करना है, तो इसके लिए मैंने लिया है एक कागज और इसके बीच में मैंने क्रीज बना दी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, हमने डायरेक्ट
डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी है अपनी शर्ट के ऊपर, पहले हम इसको आपस में अटैच करेंगे। तो मैं इसके ऊपर एक रफ स्टिच करूंगी जो बाद में मैं इसे खोल दूंगी। अब मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है, अब इसके साइड में हम लगाएंगे लेस। तो मैंने पट्टी को डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी, ये जो बॉर्डर पट्टी है इसको एक ही सिलाई में मैंने लेस को भी कवर करना है और बॉर्डर पट्टी को भी मैंने अटैच करना है। तो पहले हम इसको फिलहाल फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपकाएंगे, उसके बाद हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो फाइनल सिलाई में ही हमारी पट्टी भी कम्प्लीट हो जाएगी और ये लेस भी लग जाएगी। तो मैं इस लेस को इस तरह नाप लूंगी पहले, जहाँ पर हमारा ये कटवर आ रहा है हमने इसके दो फूल शो करने हैं, इस तरह सिर्फ दो कटवर हमने शो करने हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसको कट लगा दूंगी। तो यहाँ पर जब हम इसको कट लगाएंगे तो बहुत ही आराम से ये हमारी लेस टर्न हो जाएगी। अब लेस के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। तो लेस मैंने लगा दी है और बॉर्डर हो गया है कंप्लीट। अब ये तैयार है अपनी शर्ट के ऊपर लगने के लिए। मैंने सारा काम आसान कर दिया, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़ी बड़ी बुटीक्स होती हैं, वहाँ पर झटपट काम किया जाता है, यानी कि फौरी तौर पर एक ही सिलाई में सब कुछ कवर किया जाता है। तो इसी तरह वो बॉर्डर्स तैयार कर लेते हैं और एक ही सिलाई के अंदर कवर कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको अपने गले के अंदर सेट करेंगे और सब चीज़ें रेडी हैं, बस इसका बीच में से बुकरा, ये बीच में से सॉरी इसका कागज़ निकालेंगे और अपनी पाइपिंग को बीच के अंदर सेट कर देंगे। तो गला बनाने के लिए हमें लेना होगा बुकरम का पीस। मैंने इसकी लंबाई रखी है 8 इंच और मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 4.5 इंच। तो पहला निशान हम इसका लगाएंगे 3.5 इंच पर। मीडियम साइज का गला है। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब एक निशान हम इसका लगाएंगे राउंड शेप 5.5 इंच पर। अब एक निशान हम इसका और लगाएंगे इसकी डीपनेस का, वो निशान होगा हमारा 7.5 इंच पर। अब इसे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे और मैंने इसे भी बीच से कट नहीं किया क्योंकि बीच से हम बहुत ही कम कट करेंगे। अब गले का सेंटर देखते हुए हमने इस बुकरम वाले गले को लगाना है क्योंकि इसमें हमें बहुत ख्याल करना है। अगर जरा सा भी एक पॉइंट भी हमारा गला आगे पीछे हो गया तो सारा बॉर्डर हमारा आउट हो जाएगा। मैंने स्टार्ट में ही गले में क्रिस बना ली थी सेंटर की इन बॉर्डरों को शो करते हुए। तो मैंने फिंगर की मदद से थोड़ा सा बुकरम को प्रेस कर दिया है। अब हमने जो बॉर्डर तैयार करा था वो हम ऊपर से नहीं लगाएंगे, उसके लिए हमने इसका रुख चेंज करना है। हमने नीचे से अपना मेजरमेंट देखनी है, यानी कि हमारी नीचे से जो पट्टी है ये ऊपर नीचे नहीं हो। और जो हमारी पाइपिंग थी हम पाइपिंग के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगाएंगे।
इस पॉइंट पर आकर हमने इस कागज को बीच में से इस तरह निकाल देना है, इन पट्टियों को अलग अलग कर देना है। तो पाइपिंग वाली साइड के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है, अब लगाएंगे सिलाई स्लेस वाली साइड के ऊपर। अब गले को करेंगे प्रेस और उसके बाद इसे करेंगे तुरपाई। तो ये लीजिए गला हो गया है कंप्लीट और मैंने इसे तुरपाई भी कर लिया है। अब इस पे जो मैंने एक रफ स्टिच करी थी वो भी इसे खोल देंगे। अच्छा, मैंने इसके बीच में जो लगाया था ना ये कागज, ये कपड़ा जब वॉश होगा तो वैसे ही गल के निकल जाएगा, कोई पट्टी नहीं लगानी। आपने इन पट्टियों को जोड़ने के लिए कागज का या अखबार का या किसी भी चीज का इस्तेमाल करना है। मैं आपको उसको नीचे से भी दिखाऊंगी कि नीचे से कितनी सफाई के साथ बना है। ये था वो जुगाड़ जो बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े बुटीक्स में होता है, क्योंकि ज्यादा वो एक ही शॉट में सारा काम करते हैं। फैब्रिक पट्टी भी आ जाती है, बॉर्डर पट्टी भी आ जाती है, लेस भी आ जाती है, बूट पाइपिंग भी आ जाती है, वहां कटिंग वगैरह नहीं करती। ये मैंने आपके साथ सीक्रेट शेयर किया है, आपने मुझे बताना है आपको कैसा लगा आज का मेरा आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बगैर कट किए मैंने इसमें लगाई है बूट पाइपिंग और ये बूट पाइपिंग ही है। अगर हम इसको कमीज को कट करते तो भी हम इसी तरीके से इसको शो करते। मैं आपको इसको पलट के भी दिखाती हूँ। ये है इसका नीचे से, नीचे से देखें कितनी सफाई के साथ है। ये वो लोग तरीका इस्तेमाल करेंगे जो लोग बिगनर्स हैं, जिनसे शर्टें बीच से कट जाती है फिर उनसे संभलती नहीं है, या तो बहुत ज्यादा गैप आ जाता है या बारीक पाइपिंग लग जाती है। तो आप सबने इसको लाजमी इस तरीके को इस्तेमाल करना है। मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा मेरा आइडिया, ये गला बनकर कैसा लग रहा है। अच्छा, ये वाला जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ना ब्लू वाला, ये शर्ट के साथ नहीं था, मैंने इसमें भी जुगाड़ लगाया है, दुपट्टे से मैंने ये बॉर्डर निकाला है। छोटी छोटी चीजों को हमारे हाथ में होता है कि हमें इन्हें किस तरह खूबसूरत बनाना है। ये मैंने दुपट्टे में से निकाल लिया था, लेस इसके दुपट्टे में थी तो मैंने इसको एक मुकम्मल पेयर बना दिया है। अगर आपका सूट ईद का है, शादी ब्याह का है, तो आपने इसके बीच में कुंदन के बटन लगाने हैं, ये मजीद हैवी लुक में आ जाएगा। अगर घर का है तो आप सादा छोड़ दें। तो मैं आपके साथ इसी तरह नए नए आइडियाज लेकर आती रहूंगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। जो लोग नए हैं आप सबने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग रेगुलर हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपके साथ इसी तरह नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी शेयर करूंगी और ईद के हवाले से बहुत ज्यादा मेरे पास आइडियाज मौजूद हैं, वन बाय वन करके सारे शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।